15 सितंबर को अपूर्व होटल टीकमगढ़ के सभागार में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में भिलाई छत्तीसगढ़ के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कवि गोविंद पाल की काव्य संग्रह महास ये वायरस नहीं प्रतियोगिता में आए सैकड़ों पुस्तकों में प्रथम पुरस्कार अर्जित करने के उपलक्ष्य पर गोविंद पाल को स्वर्गीय पन्नालाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप पाल को श्रीफल भेंट कर शाल उड़ाकर सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गोविंद पाल के सम्मान में अर्थात उनके मुख्य अतिथि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए कवियों ने कविता का पाठ किया। कवि सम्मेलन अन्य कवियों के कविता पाठ के पश्चात उपस्थित रचनाकारों, बुद्धिजीवियों व श्रोताओं के समक्ष गोविंद पाल ने अपनी एक अलग अंदाज में हास्य व्यंग की कविताएं व पैरोडी गीत सुनाकर लोगों को आकृष्ट कर लिया और समा बांध दिया, और इसके साथ ही लोगों को हंसने और ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। गोविंद पाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों विगत 32 सालों से भारत के एवं भारत के बाहर विदेशों में भी काव्य पाठ करते आ रहे हैं। बता दें, गोविंद पाल की अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी है। गोविंद पाल डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ राज्य के बाल साहित्य के संपादक भी हैं। इसके पहले पाल की कई पुस्तकें पुरस्कृत भी हो चुकी है, जिसमें बोनसाई काव्य संग्रह भी 2013 में अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसमें गोविंद पाल को शब्द प्रवाह साहित्य समिति की ओर से उज्जैन मध्य प्रदेश में सम्मानित करते हुए शब्द रत्न मानद उपाधि नवाजा गया। गोविंद पाल वर्तमान में भिलाई छत्तीसगढ़ के सबसे सक्रिय पंजीकृत साहित्यिक संस्था मुक्त कंठ साहित्य समिति के संस्थापक व अध्यक्ष हैं। पाल जी की इस उपलब्धि पर मुक्तकंठ साहित्य समिति के सभी सदस्यों एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत से रचनाकारों ने खुशियां व्यक्त की है और बधाइयां दी है। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। चंद्र क्या कहता है कि तुम सिक्कों से तालूंगा, नेताजी का चुराओ तो आने दो, और तुम सिक्कों से तालूंगा चुराओ तो आने दो, चाहे जनता की हो बर्बादी, चाहे जनता की हो बर्बादी, पर तुम्हारे तो होंगे चांदी। कि बूथ को लूटूंगा और तुम्हें जिता दूंगा, कब चुनाव तो आने दो, और तुम्हें सिक्कों से तौलूंगा चुनाव तो आने दो, और तुम्हें सिक्कों से तौलूंगा चुनाव तो आने दो। अब देखिए चमचे का भी लिखित है कि क्या कहते हैं कि लूटू चाहे पहनकर जितना खादी, लूटू चाहे पहनकर खादी, जनता तो है इसकी आदि। आगे